गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल और परसों में आप लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में विकास सर से पढ़ा। जो मेथड, जो फैक्टराइजेशन, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ये कभी कभी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर किसी तीन अंकों की संख्या आपको प्राइम नंबर मिले तो उसके लिए आपको फैक्टराइजेशन करने में 2 से 3 घंटा लग जाता है, क्योंकि आप 3 से काटना शुरू करेंगे और जब तक वहाँ पहुँचेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस तरह से जैसे एक संख्या हम ले रहे हैं यहाँ पे 9, 27, 42। हम अगर इस संख्या का फैक्टर करना चाहें, क्योंकि इनका टोटल 9, 2, 11, 14, 5, 19 हो रहा है, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, अगर हम इससे इसका रूट निकालें तो शायद घंटों लग जाएंगे। तो हम ऐसे ऐसे जो नंबर्स हैं, ऐसे कोई स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम एक आसान तरीका बता रहे हैं कि जिसमें आपका टाइम वेस्टेज ना हो। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि लास्ट डिजिट आपको देखना है, केवल एक डिजिट आप देखेंगे कि 9 है। इसका मतलब लास्ट संख्या जो होगी आपकी आंसर की, या तो 3 होगा या 7 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। कि 7, 7 जा 49 और 3 3 जा 9, 9 है, इसलिए या तो अंतिम अंक आपका 3 होगा या 7 होगा। तो इन दोनों को आपने लिख लिया, ये दो अंक छोड़िए, लीव इट, कम टू 53 वाली, आप 53 पे आइए। केवल 53 ये देखेंगे, ये 7 के स्क्वायर यानी 49 और 8 के स्क्वायर 64, इन दोनों में से कौन से में कवर हो रहा है? तो ये कवर हो रहा है हमारा 7, 49, 64 ज्यादा हो जाता है, 7 में हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 7 लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से 73 तक खोजते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, और यही 73 आपका आंसर हो जाएगा। इनकेस आप अगर ये 7 होता तभी 9 आता, तो हम कब किस केस में हम 7 और किस केस में हम 3 रखते हैं, इसके लिए आप देखें। जो 53 संख्या है वो 49 से कम डिफरेंस है और 64 से ज्यादा डिफरेंस है, 53 से 13 का डिफरेंस, 11 का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है, जबकि 49 से केवल 4 का डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस 4 के पास में है तो हम 3 लिखेंगे। अगर डिफरेंस इसके नजदीक होता, मान लीजिए 97 होता, तो यहां भी क्योंकि 77 होता तो यहां भी 9 आएगा, तो हम 9 तो लिखेंगे, लेकिन जो इसका स्क्वायर बनेगा वो 7, 7 98, 4, 102 और 49, 10, 59। अब इसका स्क्वायर हम देख रहे हैं कि 5, 9, 2, 9 हो रहा है, जो 8 के स्क्वायर के ये 5, 9 करीब में, इसलिए हम यहाँ पे बड़ी संख्या 7 को लिखेंगे। 3 के बजाय हम 7 लिखेंगे, क्योंकि 8 के स्क्वायर के करीब में 59 आ रहा है, 7 के 49 से ये ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे संख्या को 7 लिखेंगे। और इजीली इन दोनों संख्याओं का जो प्राइम नंबर्स हैं, ऐसे 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का अगर प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है, क्योंकि जितना आप खोजेंगे 137 का स्क्वायर करना है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे खोजेंगे? 1 से 3 से कहाँ तक काटते काटते जाएंगे तब आप 137 पहुँचेंगे। और इस मेथड से हम तुरंत आंसर को जान लेंगे कि हमारा आंसर क्या है, जब आंसर मिल जाएगा तो हम उसी से काट देंगे और वही बचेगा, ये एक आसान तरीका है। साथ साथ और भी ऐसे किसी भी उदाहरण को ले सकते हैं आप, जैसे 6, 8, 9 और 7, 5, 6, 9। हम आपको 2 संख्याएं दे रहे हैं, आप देखेंगे कि 9 है तो या तो ये 3 होगा या 7 होगा, 9 है तो 3 होगा या 7 होगा। अब ये दोनों संख्याएं यू फॉरगेट इट, अब आ जाए इनपे, ये 8 के ज्यादा करीब है, ये 9 के ज्यादा करीब है,
नौ नौ इक्यासी केवल छः का डिफरेंस है और आठ नौ चौंसठ केवल चार का डिफरेंस है। अगर ये चार के डिफरेंस में है तो हम आठ ही लिख देंगे आठ, जबकि ये नौ के डिफरेंस में ज्यादा है इसलिए यहाँ पे सात आएगा और यहाँ पे भी हम आठ लिख देंगे क्योंकि आठ के नौ के स्क्वायर से कम है, इसलिए यहाँ भी हम आठ लिख करके डायरेक्ट आंसर प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद हम उसी से डिवाइड करके हम इस संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से तीन अंकों की संख्याएं इसी प्रकार जब आप स्क्वायर निकालते हैं तो नॉर्मली आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं स्क्वायर निकालने में। हम ऐसे भी कुछ ट्रिक्स जाने कि जिनको हम बहुत जल्दी जो काम आपका 10 मिनट में होना हो उसको हम अगर एक मिनट में कर सकते हैं तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। जैसे यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 है, नोट डाउन इट, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 5 है हमें उसका रूट निकालना है, रूट निकालना है तो वह संख्या क्या होगी। 5 होने के नाते एक संख्या तो 5 निश्चित है क्योंकि 5 का स्क्वायर भी 5 होता है और 6 का स्क्वायर भी 6 ही होता है लास्ट डिजिट, इसलिए 5 को हम पूरी तरह से लिख देते हैं। अब हम इस संख्या को पकड़ते हैं 2, 1 से स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है इसलिए हम 1 का स्क्वायर ही लिखेंगे, 1 लिख देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से अगर इसको स्क्वायर बनाना हो, सपोज हमें 35 का स्क्वायर बनाना हो तो सीधे सीधे आप पहला काम ये करेंगे 25 को लिख देंगे, बिना सोचे समझे आपको 25 लिख देना है और जो ये संख्या बचती है इसमें इसकी अगली संख्या का मल्टीप्लाई करिए, 3 है तो 4 का मल्टीप्लाई करके हम 12 लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि 25 पहले लिख देंगे, जो संख्या हमारी एक बचती है उसमें हम उसकी अगली संख्या का गुणा करके लिख देने पर वह उस संख्या का स्क्वायर हो जाता है। जैसे 95 है हम 25 लिख दिए और 9 में हम 10 का गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा, यही इसका स्क्वायर होगा। तो इस तरह से हम शॉर्टकट में स्क्वायर को जान सकते हैं जो आपको टाइमिंग काफ़ी कम हो जाता है और हम ये स्क्वायर आसानी से निकाल लेते हैं। कोई भी संख्या आप लें, 115 है इसका स्क्वायर करना है, आप 25 को लिख दीजिए और 11 है और 12 है, 11 और 12 का गुणा कर देना है आपको, अर्थात इसको हम लिखने के 121 11 132 लिख देंगे, ये इसका स्क्वायर बन जाएगा इजीली। आपको इतना लंबा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आप पता कर सकते हैं। इस तरह से हम ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने का ये शॉर्टेस्ट तरीका है जिससे आप विदिन 30 सेकेंड आप आंसर को जान जाएंगे और जब आंसर आपका जानकारी हो जाता है तो 50% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। थैंक यू।